Sain had played for Pakistan. I'm talking about Harris Stroke. Yeah, Harris. Sain had played for Pakistan. But somebody came to the world, right? Yeah. Okay. Thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. No. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. Okay, Sana. Sain had played for Pakistan. I'm talking about Harris Stroke. Yeah, Harris. Sain had played for Pakistan. But somebody came to the world, right? Yeah. Okay. Thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. No. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. ओके सना बनना एक क्रिकेट मैच जीत लिया अब सारा साल डिस्को डांस करना है कि हमने हरा दिया इंडिया को हरा दिया हमने उनको ठुटा मारा हमने मौका मौका डॉलर 175 मौका मौका अब नाचते रहो ओ भाई इधर गरीब आदमी का पेट खाली है वो क्रिकेट पे खाक डांस करेगा नहीं अग्रेसिवनेस भी थी जिस तरीके से यू नो स्ट्राइक रोटेशन थी जिस तरीके पे उनके उनके चेहरे पे नजर आ रहा था दैट वाज अमेजिंग और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मैंने देखा पाकिस्तानी मीडिया में एक गजब का मामला चल रहा है पाकिस्तानी जीत गए उसके बाद भी पता नहीं इनके खुद की लड़ाई हो रही है खुद ये पागल हुए पड़े हैं। शोएब अख्तर एक पाकिस्तान के डेफिनेटली बड़े क्रिकेटर कह सकते हो आप फास्ट बॉलर थे मतलब फास्ट बॉलर तो सबसे दुनिया के सबसे तेज फास्ट बॉलर में इनका नाम आता है रिकॉर्ड है इनके नाम पे। तो इनका जो इनके साथी एंकर है डॉक्टर नुमान नियाज आप ये भी बहुत इंडिया में फेमस है क्योंकि आपको भी पता है ये क्रिकेट के विकिपीडिया है सब कुछ पता रहता है इनको मतलब 1970-80 सब कुछ बता देते हैं ये इनके बारे में ऐसा है। और शोएब अख्तर आपको पता है देसी बंदा है देसी बातें करता है फेंटा लपेटा और ये और वो तगड़ा पगड़ा इस तरीके के वर्ड यूज़ करता है शोएब अख्तर। तो आपको भी पता है दोस्तों इस चक्कर में मुझे समझ में नहीं आया कि डॉक्टर नुमान नियाज को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आया शोएब के ऊपर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। हालांकि शोएब ने दिलेरी दिखाई शोएब ने थोड़ी देर बाद माफ़ी मांगी माफ़ी मांगने पर भी डॉक्टर नुमान नियाज का मतलब रिएक्शन कुछ अजीब सा था तो शोएब ने रिज़ाइन कर दिया। तो इस बात को लेकर तो मैं काफ़ी शोएब की प्रशंसा करता हूँ शोएब को सल्यूट करता हूँ। पहले पूरा वीडियो देखते हैं फिर और अच्छे से करते हैं बात। शाहिन शाफरीदी दिस वॉज द गाय दैट वॉज ब्रॉट बाय आकिब जावेद एंड लाहौर कलंदर एंड पीडीडी प्रोग्राम प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम Sain had played for Pakistan. I'm talking about Harris Stroke. Yeah, Harris. Sain had played for Pakistan. But somebody came to the world, right? Yeah. Okay. Thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. No. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. Okay, Sana. So would you mind telling me that? No. Excuse me. Talk we take a break. We'll be right. Shoaib Akhtar, kuch keh rahe the. Shoaib, you wanted to complete your thing. So Pakistan ki spinners ki aap baat kar rahe the ki they really dominated today. Yeah. I was building a case against, not against you, about Harris Rob. Okay. That was a find of Lahore Kalandar. Yeah, of course. It was not find of under 19. No, that was Sain Shah Afridi. Okay. Yeah. We got that clear? Yeah. It's very clear. Just have a big smile. Well, have a big smile. Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. It's just okay. Continue. All right. So, dusri cheez ye hai ki let's move forward here. You just give an answer. Okay. David, how do you see? Here comes the big one. A lot of apologies, guys. I'm resigning from PTV. Or just nice TV pe behave kiya gaya. I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. So now we see Asif Ali scoring 27 and 12 balls with 1-4 and 3 sixes. Shoaib Akhtar bahut enthusiastic. Khair unka maine khabar dekhi aur kaha ki main chairman se kam koi ohda नहीं लूंगा वरना बड़े एंथुसियास्टिक है वो भी। हाँ तो फिर उन शेयर में नहीं बनते हो फिर उसकी भी गल्ला पता नहीं कौन क्यों सीरियस लेते हैं सारे आई रियली डोंट नो जिस बंदे को तमीज नहीं है ना उसको कुछ नहीं पता जिंदगी में he almost kills me on the set yeah you know should I leave now no please okay now tell me one thing That this you just killed my marketing. I was just about to sign a big deal. आज TRP क्या हुई होगी?
No, this reflects people's WhatsApp at least. So this is the sole consolation, David. It was just all planned. Let them know it's all planned. Absolutely. And what we did is just we're trying to get a more tea up. We just wanted to, you know, this is the favorite guy of mine. You know, I like to pull legs of him. So it's okay. And relax. But you know, it's leg pulling. He's missing one still. Yes. Okay. So now getting on to Shine. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शोएब अख्तर और थोड़ा अनप्लेजेंट एक इंसिडेंट हो गया पीटीवी पे जहाँ पे नुमान न्याज वाज बीइंग ऑब्नॉक्शियस और उन्होंने मुझे आस्क्ड मी टू लीव फॉर नो राइम रीजन आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट और क्यों उन्होंने कहा ऐसा ये तो मुझे नहीं पता. फिर ब्रेक पे चले गए और नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे और फिर ब्रेक पे चले गए. देन आई रियलाइज्ड यार कि सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा. तो मैंने फिर नुमान से कहा कि इसको किस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है वो तो अब क्लिप वायरल हो जाएगा तो उसका तो कोई हल नहीं है. तो वो उसने भी कहा यार कि यार इसको ख़त्म करो किस तरीके से. तो देन आई सेड यार कि चलो इसको किस तरह कुछ करके ताकि बाहर को मैसेज गंदा ना जाए या बुरा ना जाए या फॉरनर्स को बुरा ना लगे. तो मैंने इसलिए फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम का यार वाज काइंड ऑफ अ चोक, आई वाज पुलिंग अ लेग. तो लेकिन अगेन आई टोल्ड हिम टू यू नो से सॉरी टू मी ऑन टीवी, बट ही डिडंट. अगेन ही डिडंट से सॉरी टू मी. जब उसने सॉरी नहीं किया देन आई थॉट नाउ आई थिंक आई हैड इनफ और मुझे अब चले जाना चाहिए. सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट यू नो टू रिपेयर द डैमेज विद इन द प्रोग्राम, बट इट डिडंट से सॉरी टू मी. और मैं खत्म करना चाह रहा था बट उसने खत्म नहीं किया और सॉरी नहीं बोला. एंड ही इंसल्टेड मी ऑन नेशनल टीवी. बीइंग अ नेशनल स्टार आई फेल्ट वेरी बैड कि साथ मेरे बैठे हुए हैं फॉरनर्स बैठे हुए हैं और वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमारे नेशनल स्टार के साथ क्या हो रहा है, नेशनल स्टार के साथ क्या है ये हरकत हो रही है. सो मैंने ट्राई टू पैच इट अप विद नुमान ड्यूरिंग द प्रोग्राम बट ही डिडंट से सॉरी टू मी. और फिर मैंने यही समझा कि आई शुड रिजाइन इट एंड लीव इट एंड देन आई डिसाइडेड टू यस गॉट अप एंड जस्ट लेफ्ट. एंड वेरी बैड इंसिडेंट, वेरी सैड इंसिडेंट, इट शुड नॉट हैपेंड. पाकिस्तान और इतनी बड़ी विक्ट्री जीता है. दोस्तों आपने देखा, हालांकि मैंने वो हिंदुस्तानी भाव वाला इस तरीके का जो आपको पता है ट्रेडमार्क बन चुका है, हर जगह यूज़ किया जाता है हिंदुस्तानी भाव, इसी क्लिप की वजह से शायद वायरल हुए थे. उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य बोले थे, निकल घोड़े पहली फुर्सत में, निकल घोड़े नहीं बोला था, हालांकि आपको भी पता है क्या बोला था. तो दोस्तों जो नुमान न्याज यहाँ पर मुझे काफ़ी गलत लगे, आप देख सकते हो शोएब ने मतलब यही बोला कि भाई वो शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर से जुड़ा हुआ था, लेकिन नुमान ने बोला कि नहीं वो पहले अंडर 19 खेला हुआ था. तो शोएब ने फिर बोला नहीं हारिश सोहेल. तो पता नहीं नुमान को क्या इतना ज़्यादा गुस्सा आया या क्या फ्रस्ट्रेशन था. डेफिनेटली मैं यहाँ पे गलत तो डॉक्टर नुमान न्याज को मानूंगा. शोएब का तो आपको पता है कि इनका ऐसा ही अंदाज, इसी तरीके की बात करते हैं, दूसरे को ओवर शैडो करने की कोशिश करते हैं. तो डॉक्टर नुमान न्याज ने शोएब के साथ इतने लंबे समय से काम किया, इतने दिनों से काम किया, तो उनको समझना चाहिए था. लेकिन मुझे लगता है कि कुछ खुन्नस रही होगी, शायद खुन्नस शोएब. आपको पता है कि इस समय इंडियन मीडिया पे भी तीन तीन चार चार चैनल में आ रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में भी तीन तीन चार चार चैनल में, तो हर जगह से पैसा बना रहे हैं. पीटीवी में शायद डॉक्टर नुमान के शो में टाइम नहीं दे रहे हैं, वही खुन्नस रही होगी अब ऐसा लगता है. हालांकि आपने देखा, पूरा वीडियो देखा होगा, तो वीडियो के जो मतलब आखिरी भाग में बोले कि ये टीआरपी स्टंट था, मतलब कवर करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई. लेकिन फिर भी मतलब शोएब को मामला जमा नहीं. शोएब ने अब शोएब की इंसल्ट हो चुकी थी. आपको भी पता कि आज के टाइम पे कोई भी क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर कहीं पर भी बैठा हो तो भाई अपनी जवान पर कंट्रोल करो. वकार यूनिस ने देखिए आप क्या बोल दिया, वो भी आपको पता है, फिर माफ़ी भी मांग ली. लेकिन अब
हो तो जाता है वायरल वो चीज़, फिर आप क्या कर लोगे। तो शोएब के लिए अब डेफिनेटली ये काफ़ी एम्बेरसिंग था, और अब इस चीज़ को लेकर शोएब के नीचे कभी कुछ हो गया तो डॉक्टर नुमान न्यास की यही वाली फ़ोटो आएगी, यही वाली, तो डेफिनेटली शोएब को परेशान किया जाएगा। लेकिन मैं न्यूट्रल होकर अगर बोलूँ तो मुझे क्लियरली डॉक्टर नुमान न्यास यहाँ पर गलत लगते हैं, और अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि शोएब ने फिर बाद में ट्विटर पर ये वीडियो पोस्ट किया जो सिंगल शोएब सोलो आए इस वीडियो पे और बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो बुरा लगा होगा ऑब्वियसली, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो सकता था। वहीं पर ब्रेक पे आप बात करते, डॉक्टर नुमान न्यास भी सॉरी बोलते, शोएब भी सॉरी बोलता, शोएब ने बोला था सॉरी, ये भी एक बात है, तो डैमेज कंट्रोल हो सकता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या होगा, राशिद लतीफ़ इनका पैचअप करा देंगे और राशिद लतीफ़ फिर से शोएब को वापस ले आएंगे, तो देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट बाजू में लगाया हुआ हूँ शोएब का, ये मतलब ये फेस आप देखें, मतलब शोएब को देख के बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, बड़ा मासूम सा चेहरा, जैसे ही उसने बोला यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। दोस्तों आपके क्या ख्याल आते हैं इस वीडियो के बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और आपको बता दूँ जो मैंने एक और वीडियो लगाया है वकार यूनिस का, वकार यूनिस ने माफ़ी मांगी है, लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कल तक पाकिस्तानी बोल रहे थे इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, ये क्या है इसमें गलत है, हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी, तो वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी उस माहौल में पैदा हुए हैं, उनको पता है उनकी क्या प्राइमरी एजुकेशन है, वो किस तरीके से बड़े हुए हैं, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो इसमें कुछ गलत समझते ही नहीं है। वकार को लगा, वकार को जब आपको भी पता है बड़े बड़े लोगों ने, कमेंटर्स ने और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये क्या है भाई, क्या स्टेटमेंट है, मतलब हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वकार भी अब उसी माहौल से बड़े पड़े वाले हैं, हीट ऑफ द मोमेंट बोल रहे हैं, जबकि आराम से वो मतलब आराम से वो न्यूज़ शो में बैठे हुए थे, निकल गई बात, खुन्नस थी जो दिल मन के अंदर की बात है वो जबान पर आ जाती है, तो वो हो गया। अब माफ़ी मांग के क्या कवर अप करोगे यार, जो होना था तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, माफ़ी भी मांग लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और कुछ मांगोगे भी नहीं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि अभी भी वकार गलत नहीं है, तो आपको भी मैं बोल दूं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप ऐसी जगह पैदा हुए हो जहाँ पर आपको यही बताया गया है, तो आपको ये गलत नहीं लगेगा। अब आप सोचें कि इसमें क्या गलत है, मैंने पुराने वीडियो अपलोड किया है, बार बार वो बात रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आप समझ रहे हो। तो दोस्तों क्या हो रहा है, पाकिस्तान इस समय टॉप पर है अपने ग्रुप पर, जबरदस्त खेल रहा है, पाकिस्तान की टीम को सैल्यूट है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रांग है, और एक बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी मतलब अच्छा मैच था, फंसा था इंडिया वाला, तो वन साइडेड हराया पाकिस्तान ने, वन साइडेड हराया, बिल्कुल मौका ही नहीं दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, मतलब थोड़ा सा फंसा, और आसिफ अली ने आकर बेहतरीन रिकवर किया और छक्के मारे सऊदी को, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान को इस ग्रुप के सारे मैच बिल्कुल वन साइडेड जीतने चाहिए, जिससे मतलब सेकंड नंबर पे जो टीम रहेगी उसको नेट रन रेट वगैरह की कोई चिंता नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भारत का मैच काफ़ी लेट है, जब तक पाकिस्तान 3 मैच खेल लेगा, अफगानिस्तान शायद 2 खेल लेगा, भारत